अस्सलाम वालेकुम। आज की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरवा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है हिफाजती टीकों का एक मुकम्मल शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। वो टीके जो बच्चे को लगते हैं, मामूल के हिफाजती टीके जो पैदाइश के फ़ौरन बाद से लेके 15 माह की उम्र तक लगाए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह आपको मेरी वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी, हर नई वीडियो आपकी न्यूज़ फीड में खुद ही आ जाएगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद से 15 माह की उम्र तक बच्चे को 6 हिफाजती टीके लगते हैं, ठीक है। पहला टीका पैदाइश के फ़ौरन बाद लगता है, दूसरा 6 हफ्ते की उम्र में, तीसरा 10 हफ्ते की उम्र में, चौथा 14 हफ्ते की उम्र में, पांचवा 9 माह की उम्र में और छठा 15 माह की उम्र में। पहला टीका पैदाइश के फ़ौरन बाद लगता है जिसमें टिपिक से बचाव का टीका, हेपेटाइटिस से बचाव का टीका और पोलियो से बचाव के कतरे शामिल होते हैं। दूसरे इंजेक्शन में आप जो है वो आपको 6 हफ्ते की उम्र में पहला इसलिए लगता है और इसमें जो इंजेक्शन है इंजेक्शन के साथ आपको पोलियो से बचाव के कतरे भी बच्चे को पिलाते हैं। तीसरा इंजेक्शन 10 हफ्ते की उम्र में लगता है और इस इंजेक्शन के साथ भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाते हैं। फिर है 14 हफ्ते की उम्र में लगता है और इसके साथ ही पोलियो से बचाव के कतरे, और फिर 9 माह की उम्र में खसरे का पहला टीका लगता है और 15 माह की उम्र में खसरे का दूसरा टीका लगता है। पहली मरतबा जो पैदाइश के फ़ौरन बाद लगता है उसमें जो इंजेक्शंस होते हैं वो HBV होते हैं, BCG के होते हैं, और इसी तरह जो 6 हफ्ते की उम्र में दूसरा लगता है उसमें पोलियो के कतरे होते हैं, रोटावायरस, नेमोकोलिक 1 और पेंटावेलेट 1 का इंजेक्शन होता है, और जो तीसरा इंजेक्शन होता है जो 10 हफ्ते की उम्र में लगता है उसमें पोलियो के कतरे होते हैं, रोटावायरस 2, नेमोकोकल 2 प्लस पेंटावेलेंट 2, और जो चौथा इंजेक्शन है जो 14 हफ्ते की उम्र में लगता है उसमें भी पोलियो के कतरे 3 कतरे पिलाए जाते हैं और उसमें IPV1, नेमोकोकल 3 प्लस पेंटावेलेंट 3, और जो पांचवा इंजेक्शन है जो कि 9 माह की उम्र में लगता है उसमें IPV2 प्लस टाइफाइड प्लस MR1 की पहली खुराक लगती है, और जो छठा आखिरी इंजेक्शन होता है वो 15 माह की उम्र में लगता है और इसमें MR2 की दूसरी खुराक यानी कि ये इंजेक्शन लगता है। इसमें जो इंजेक्शन है जो कि तीसरा और चौथा इंजेक्शन होता है ये तीन इंजेक्शन्स भी बच्चे को लगते हैं, ठीक है। और मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है, एक आई थिंक जो पहला इंजेक्शन है वो एक होता है जो कि बाजू में लगता है, उसके बाद के जो इंजेक्शन्स हैं वो 2-3 इंजेक्शन्स हैं जो कि बच्चे को लगाए जाते हैं, ठीक है। और मेरी ये तो यही सजेशन है कि आप अपने बच्चों को 12 मोहलिक बीमारियों से बचाने के लिए बर वक्त हिफाजती टीकों का ये जो मैंने शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है इसको मुकम्मल करवाएं ताकि आपके बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहें। ये जो इंजेक्शन है ज़रूरी नहीं है जैसा कि 10 हफ्ते की उम्र का और बच्चा आपका 6 हफ्ते का हो तो आपने उसी वक्त उसी दिन लगवाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ दिन ऊपर हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 माह की उम्र का जो में जो बच्चे को इंजेक्शन लगता है, अगर आपका बच्चा 9 माह का हो चुका है तो उससे कुछ दिन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो 9 माह का अभी नहीं हुआ तो पहले इंजेक्शन नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये आपने कोर्स अपने बच्चों को मुकम्मल करवाना है, मैंने आपके साथ पूरा शेड्यूल शेयर किया है, ठीक है। इसके इन इंजेक्शन से बुखार भी बच्चे को होता है, लेकिन उसके लिए भी मैंने बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर की हुई है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको भी विज़िट कीजिएगा। हिफाजती टीके लगवाने वाला बच्चा जो है वो सेहतमंद भी होता है, जबकि वो बच्चा जो हिफाजती टीके नहीं लगवाता उसको हेपेटाइटिस B, TB, डायरिया, नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार, खसरा, खनाक, काली खांसी, पोलियो और इस तरह की के 12 जो मौलिक बीमारियां हैं उनका ख़तरा होता है बच्चों को इन बीमारियों का, और ये बीमारियां फिर उन बच्चों को लगती हैं जो कि इंजेक्शन्स नहीं लगते।
इस वैक्सीन के मुताबिक कुछ अहम पैगामात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वैक्सीन लगाने से बीमारियों की रोकथाम की जाती है, ठीक है। ये जो बीमारियाँ भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनकी रोकथाम की जाती है। और इस वैक्सीन से मामूली मोज़र असरात जो है ना, यानी कि बुखार हो जाना, मोशन हो जाना, बच्चे को दर्द, रोना, ये मामूल का हिस्सा है, बच्चा ठीक हो जाता है, ठीक है। मुकम्मल जो टीका जात है वो सेहतमंद बच्चे के लिए ज़रूरी है। अगली वैक्सीन कब और कहाँ आना है, ये आपको जो आपका कार्ड दिया जाता है उसके ऊपर लिखा जाता है। आपको आपका एक वैक्सीन कार्ड बच्चे का मिलता है, तो जब भी आप विज़िट करें हॉस्पिटल को, बच्चे को इंजेक्शन लगवाने आप जाएँ, तो उस कार्ड को आपने ज़रूर अपने साथ रखना। हर वक्त हिफाजती टीका जात है बच्चे का बुनियादी हक है। सेहतमंद बच्चा, सेहतमंद मुआशरा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।